हेलो फ्रेंड्स, 12th क्लास के न्यूमेरिकल के इस तीसरे वीडियो में हम पहले चैप्टर के क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं। बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी निकाय में दो आवेश क्यूए बराबर 2.5 × 10⁻⁷ कूलम तथा क्यूबी बराबर −2.5 × 10⁻⁷ कूलम क्रमशः दो बिंदुओं ए 0 0 −15 सेंटीमीटर, मतलब जो प्लस में आवेश है वो ए बिंदु पर है और जो ये माइनस में आवेश है वह बी बिंदु पर है जिसका नियामक है 0 0 15 सेंटीमीटर पर अवस्थित है। निकाय का कुल आवेश तथा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करें, है ना। तो देखते हैं, यहाँ पर डायग्राम बना लेने पर स्पष्ट हो जाएगा। देखिए इस चित्र में x, y और ये है z अक्ष और पहला आवेश जो है qa वो है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब और उसका नियामक है, स्थिति है 0 0 −15। तो देखिए यहाँ पर x अक्ष में 0, पेन को नहीं बढ़ाए, y अक्ष में 0, फिर पेन को नहीं बढ़ाए, जेड अक्ष में −15। तो जेड अक्ष ऊपर में प्लस होता है, नीचे में माइनस, ठीक है। तो जेड अक्ष में −15 यहाँ पर है बिंदु ए जिसका नियामक है 0 0 −15, मतलब कि ये −15 सेंटीमीटर लंबा, ये जो भुजा है ये यहाँ से ओ बिंदु से ए बिंदु तक यह है −15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर आवेश है कितना, QA, QA इज इक्वल टू कितना है 2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब और दूसरा आवेश है QB इज इक्वल टू −2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब और इसका स्थिति यह है B 0 0। देखिए 0, फिर 0 वाई अक्ष में नहीं बढ़ा है पेन को, फिर +15, मतलब कि जेड अक्ष के धनात्मक दिशा में 15 सेंटीमीटर की दूरी पर यह है बिंदु बी, इसका नियामक है 0 0 15, ठीक है। और यहाँ पर आवेश है क्यू बी इक्वल टू −2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब, ठीक है। और ओ से बी बिंदु की जो दूरी है वो 15 सेंटीमीटर। तो पूछ रहा है कि निकाय का कुल आवेश कितना है, ठीक है। तो निकाय का कुल आवेश सीधा अलजेब्रा के अनुसार जोड़ देना है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम लिख रहे हैं कुल आवेश बराबर क्यू ए प्लस क्यू बी। तो क्यू ए कितना है, क्यू ए इज इक्वल टू 2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब और क्यू बी कितना है, तो −2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब। इन दोनों को जोड़ते हैं, 2.5 × 10⁻⁷ −2.5 × 10⁻⁷। दूसरा आवेश जो है ऋणात्मक है इसलिए यहाँ माइनस का चिन्ह दिया, जोड़ने के बाद कितना आ गया 0। तो कुल आवेश निकल गया। अब देखिए यहाँ पर एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, दोनों का परिमाण बराबर है लेकिन चिन्ह एक दूसरे के विपरीत है, इसलिए ए बी एक विद्युत द्विध्रुव का कार्य करेगा और विद्युत द्विध्रुव का द्विध्रुव आघूर्ण P से सूचित किया जाता है और P इक्वल टू होता कितना है Q × 2A। तो यहाँ पर धनात्मक आवेश हो या ऋणात्मक आवेश हो दोनों का मान है कितना 2.5 × 10⁻⁷ कूलम्ब और 2L का मतलब हुआ कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी। तो दूरी है देखिए यहाँ से ऊपर प्लस 15 सेंटीमीटर में ये 15 सेंटीमीटर ये है, वो बिंदु से नीचे 15 सेंटीमीटर की दूरी पर क्यूए है। तो
तो 15 15 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। 30 सेंटीमीटर को मीटर में अगर हम लिखें तो 0.3 मीटर हो जाएगा। तो इसको हल करते हैं, 25 75 0.75 गुना 10^-7 और द्विध्रुव आघूर्ण में का मात्रक होता है कूलम मीटर। यहाँ पर हाइफन दे दिए हैं सी और एम के बीच ताकि कूलम मीटर पढ़ा जा सके, नहीं तो फिर बाद में भूल जाने के बाद आप लोग इसको सेंटीमीटर पढ़ना शुरू कर देते हैं, इसलिए हम यहाँ पर कूलम मीटर लिख दिए हैं, बीच में हाइफन दे दिए हैं। ठीक है, ये कूलम मीटर पढ़ाएगा, है ना, सेंटीमीटर नहीं पढ़ना है। तो इसको अब हम लिख रहे हैं 7.5 × 10^-, देखिए यहाँ पर एक अंक दशमलव को दाएं खिसका है। ठीक है, तो एक जीरो यहाँ पर पावर में एक घटेगा, मतलब -7 -1 -8 कूलम मीटर। तो ये हो गया आंसर। ठीक है, इसी तरह से अब दसवां क्वेश्चन 1.10 देखते हैं। 4 × 10^-9 कूलम मीटर, ये कूलम मीटर किसका मात्रक है? द्विध्रुव आघूर्ण का मात्रक है, है ना। तो हम यहां पर लिख दे रहे हैं सॉल्यूशन में P = 4×10^-9 कूलम मीटर। कोई विद्युत द्विध्रुव 5×10^4 न्यूटन प्रति कूलम परिमाण के किसी एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के कोण पर संरेखित है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? E = 5×10^4 न्यूटन प्रति कूलम। और इससे कितने डिग्री के कोण पर संरेखित है विद्युत द्विध्रुव? तो 30 डिग्री के कोण पर। तो हम यहाँ पर θ = लिख दे रहे हैं 30 डिग्री। ठीक है, तो अब देख सकते हैं कि θ = 30 डिग्री है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दी हुई है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दिया हुआ है। तो पूछ कह रहा है द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करना है, और बल आघूर्ण का सूत्र होता है τ = PE sin θ। तो P कितना है? 4×10^-9। E कितना है? 5×10^4 और sin 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा? 4×5 = 20 और 4×5 = 20, तो उसको हम लिख दे रहे हैं, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 4×5 = 20 और 10^4 कितना? −9 + 4 −5 sin 30 डिग्री का मान 1/2 से कटा देते हैं 20 को, तो 10 वर्ग में कट जाएगा और 10^-5 × 10 तो −5 + 1 − 4 10^-4 और बल आघूर्ण का मात्रक होता है न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। तो ये हो गया बल आघूर्ण। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। ऊन से रगड़े जाने पर कोई पॉलिथीन का टुकड़ा 3×10^-7 कूलम के ऋण आवेश से आवेशित पाया गया है। ठीक है, तो ऋण आवेश किस पर है? पॉलिथीन के टुकड़ा पर। अब देखिए यहां पर मान लीजिए कि ये है ऊन और ये है पॉलिथीन। तो पॉलिथीन पर ऋण आवेश है, इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन ऊन से किस पर गया है? पॉलिथीन पर गया है, तभी यहां पर ऋण आवेश है। ठीक है, और वह ऋण आवेश है कितना? तो Q = 3×10^-7 कूलम और यह सॉल्यूशन है Q = Ne होता है। Ne = 3×10^-7 कूलम
और n इक्वल टू 3 × 10⁻⁷ बटा e। तो e का मान कितना होता है 1.6 × 10⁻¹। e का मान होता है 1.6 × 10⁻¹। e एक इलेक्ट्रॉन का आवेश है, ठीक है, और उसका मान हो गया इतना। तो अब हल करते हैं इसको, तो कितना रहा है 3 × 1 = 0 दे दे रहे हैं, नीचे 16 दशमलव हटा दिए, 10⁻¹ देखिए −19 ऊपर गया तो +19, 19 × 7 = 12, 10⁻¹ 12, 10⁻¹ 12। अब देखिए 30 में 16 से भाग देना है, 2 × 8 = 16, 15 × 2 = 23, 15 × 8 से 8 × 1 = 8, 7 × 0 = 8, 8 × 8 = 64, 6 × 0 = 8 = 56, 4 × 60, 4 × 0 = 8 = 40, 10⁻¹ 12, ठीक है। तो इतने इलेक्ट्रॉन किसमें से किसमें, ऊन से पॉलीथीन में स्थानांतरित होंगे, ठीक है। तो ये पहला नंबर क्वेश्चन था, ए नंबर हो गया। अब बी नंबर देखते हैं, बी नंबर में क्या कह रहा है, क्या ऊन से पॉलिथीन में संगति, संगति का मतलब होता है द्रव्यमान, द्रव्यमान का स्थानांतरण होता है। तो इलेक्ट्रॉन का अपना द्रव्यमान होता है कितना, 9.1 × 10⁻³¹ kg अपना द्रव्यमान होता है। तो इलेक्ट्रॉन जब ऊन से पॉलिथीन में गया तो स्थानांतरण हुआ द्रव्यमान का, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, हाँ ठीक है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान इतना होता है। और n इक्वल टू कितना दिया हुआ है 1.8, चाहे इसी को लिख लेते हैं 15/8 × 10⁻¹² ठीक है। तो कितना द्रव्यमान का स्थानांतरण हुआ, m इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान गुना स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन की संख्या n। तो यहां पर देख सकते हैं कि एम ई है 9.1 × 10⁻³¹ और स्थानांतरित इलेक्ट्रॉन है 15/8 × 10⁻¹². तो हो गया ये 15 × 15 = 15 × 5 = 135, 1 = 136, ठीक है, बटा 8 × 10⁻³¹ − 31 + 12 − 19, ठीक है। तो इतना द्रव्यमान का स्थानांतरण हो रहा है। अब इसको गुना करके लिखना है, तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं, 136.5 में 8 से भाग देना है, 8 × 1 = 8, 8 × 5 = 13, 5 × 6 = 56, 8 × 7 = 56, और 5 बच गया ना, तो यहाँ पर 0 दे दे रहे हैं, यहाँ 50 हो जाएगा, 50 में 8 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 8 × 6 = 48, 2 बच गया, 2 × 0 = 0, 8 × 2 = 16, 4 × 0 = 0, 8 × 5 = 40 गुना 10⁻¹ 19, 10⁻¹ कितना हो गया −19, इतना केजी द्रव्यमान स्थानांतरित हो रहा है। किसमें से किसमें स्थानांतरित हो रहा है, तो ऊन से पॉलिथीन में स्थानांतरित हो रहा है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1.12, क्वेश्चन बोर्ड पर है। ए नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि दो विद्युत रोधी आवेशित तांबे के गोलों ए और बी, ठीक है, ए और बी दो गोले हैं, के केंद्रों के बीच की दूरी 50 सेंटीमीटर है, ठीक है, उनके केंद्रों के बीच की दूरी कितनी है, r = 50 सेंटीमीटर,
बराबर 0.5 मीटर। यदि दोनों गोलों पर पृथक पृथक आवेश कितना है, 6.5 × 10⁻¹⁷ कूलम, है ना। तो Q1 जितना है उतना ही Q2 है और वो है 6.5 × 10⁻¹⁷ कूलम। तो क्या कह रहा है, इनमें पारस्परिक स्थिर वैद्युत प्रतिकर्षण बल कितना है, मतलब कि F पूछ रहा है, F इक्वल टू वाट, ठीक है। तो निकाल लेते हैं, कूलम का नियम कहता है F इक्वल टू 1/4πε₀ Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो 1/4πε₀ का मान होता है 9 × 10⁻¹। मात्रक होता है इसका nm² sin⁻²। Q1 और Q2 बराबर है, कितना है 6.5 × 10⁻¹⁷। Q2 भी इतना ही है, 6.5 × 10⁻¹⁷ बटा आर स्क्वायर। तो R कितना दिया हुआ है, 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं कि 6.5 × 10⁻¹⁷ दो बार लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग एक साथ स्क्वायर कर दे रहे हैं। अब देख सकते हैं आप यहाँ पर 9 × 10⁻¹ देखो इसका भी स्क्वायर है, नीचे भी स्क्वायर है, तो दोनों को एक साथ स्क्वायर कर दे रहे हैं। 6.5 × 10⁻¹⁷ बटा 0.5 का स्क्वायर। 6.5 को कटा दिए, 13 बार में कट गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 9 × 10⁻¹ यहाँ पर स्क्वायर है ना, स्क्वायर था तो स्क्वायर हम लिख दे रहे हैं, 13 का स्क्वायर हो जाएगा 179। और 10⁻¹⁷ का स्क्वायर हो जाएगा 10⁻¹⁴। तो अब देखते हैं, नौ नौ 81 88 लाख, 16 × 9 = 144, 152 गुना 10⁻¹⁴ कितना, 9 × 14 − 5 इक्वल टू, अब 3 अंक दशमलव को 5 किसका दे रहे हैं, 1.521 गुना 10⁻²⁺ न्यूटन। इतना न्यूटन का प्रतिकर्षण बल लग रहा है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर बी। तो बी नंबर में हम लोग देखते हैं, कह रहा है कि यदि प्रत्येक गोला पर आवेश की मात्रा दोगुनी कर दी जाए, तो आवेश की मात्रा देखिए Q1′ = 2Q1, Q2′ = 2Q2, ये हो गया। और दूरी क्या कर दी जा रही है, आधी कर दी जा रही है, तो R′ = R/2। आवेश दोगुना कर दिया जा रहा है और दूरी आधी कर दी जा रही है, तो अब कितना बल लगेगा ये हमें मालूम करना है, ठीक है। तो फॉर्मूला तो वही है, कूलम का नियम F = तो यहाँ पर F' हम बल ले रहे हैं, F′ = 1/4πε₀ Q1′ Q2′ / R² बराबर 1/4πε₀ Q1′ के जगह पर 2Q1, Q2′ के जगह पर 2Q2 / R² तो R′² कितना हो जाएगा,
आर डैश के जगह पर आर बाई टू का स्क्वायर, तो ये हो गया दो दूनी चार और ये हो जाएगा कितना आर स्क्वायर बाई फोर, तो ये फोर ऊपर जाएगा तो ये भी चार हो जाएगा, ये चार है, चार चौका सोलह, सोलह गुना वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर। तो यहां पर क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ठीक है, तो इतना हो गया। अब 16 वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू वन क्यू टू बाई आर स्क्वायर, ये एफ के बराबर था, तो एफ यहां पर हम लिख दे रहे हैं, तो हो गया ये 16। एफ का मान कितना आया था 1.521 गुना 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन। तब गुना कर देते हैं 16 × 16 = 6 हासिल है 16 × 32 और 1 = 33 हासिल 3 16 × 5 = 80 और 3 = 83 हासिल 8 16 × 8 = 24 गुना 10 के पावर माइनस 2 न्यूटन। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.24336 न्यूटन। तो इतना बल, मतलब दोनों आवेशों को डबल और उनके बीच की दूरी को आधी कर दी जाए तो दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल कितना हो जाएगा 0.24336 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं और अगले क्लास में 13वां क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, धन्यवाद।